सही होता है उधर लगा क्या मानते हाँ जैसे बाइक के पास बाइक की तरफ देख पता सीसीटीवी लगा जी आज यहाँ आप पुलिस स्टेशन आई है क्या रहा भूमि चरण क्या आज पुलिस स्टेशन आप आई हैं क्या वजह थी क्या रहा जी मुझे बुलाया गया यहाँ पर ये आश्वासन देने के लिए कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द तहकीकात शुरू करने वाली है और ये कहा गया कि उन्हें पता है इस केस के बारे में और मुझे हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये भी कहा गया कि बहुत जल्द इस केस की तहकीकात शुरू होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपने आपने मेरी बात यहाँ तक पहुँचाई है थैंक यू सो मच क्या स्टेटमेंट भी होगा कब तक अगर सोहेल आप कुछ बता पाएंगे देखिए अभी हम पुलिस स्टेशन आए थे पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है कि जल्दी इनका स्टेटमेंट होगा और केस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा स्टेटमेंट किसके समक्ष दिया जाएगा क्या कोई स्पेसिफिक वो अभी बताया जाएगा जी मुंबई पुलिस बहुत जल्द स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएगी और उसके तुरंत बाद तहकीकात शुरू होने वाली है कितना टाइम लगेगा जब मैं लीगल कार्रवाई की बात करता हूँ स्टेटमेंट के बाद कब तक एक सम्मन जारी होता है या नोटिस दिया जाता है आरोपी को देखिए ये थोड़ा सेंसिटिव केस है मुंबई पुलिस है जो अपने हिसाब से करेगी अपने हिसाब से स्टेटमेंट लेगी पर हमें फुल भरोसा है मुंबई पुलिस पे हमें फुल भरोसा है कि शलिन जी को न्याय मिलेगा शलिन जी कब तक उम्मीद है कि ये सब प्रोसेस चालू हो जाएगा आप कितनी जल्द अब इस केस में आप क्या राज कुंद्रा की गिरफ्तारी चाहते हैं देखिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिले जिसके साथ बार बार लगातार अत्याचार हुए हैं जिसको जिसका यौन शोषण हुआ है जिसके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है जिसको चूना लगाया गया है टोपी बनाई गई है और जिसके साथ फरेब हुआ है उसे न्याय मिले इंसाफ मिले और जो लोग शराफत का नकाब पहनकर घूम रहे हैं वो नकाब जल्द से जल्द उतर जाए और लोगों को समझ में आए कि असल में पैसों का पावर दिखाकर लोग क्या कर रहे हैं और किस हद तक जा सकते हैं अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं मानहानि का दावा करते हैं जब जब मैं यहाँ आती हूँ उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा शिकायत दर्ज कराने तब तब वो कोई ना कोई इस तरह का आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक या प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्या ये सही है आप मुझे बताइए वो कहते हैं हमारा हक है क्या हक है आपका राइट टू रेपुटेशन आपका हक है राइट टू प्राइवेसी आपका हक है और जो पीड़िता है
पीड़िता का जो हक है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका क्या? क्या आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? Do you want immediate, you know, once the process start, do you want the arrest of Mr. Raj Kundra? मैं वही कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो पीड़िता है उसे न्याय मिले, और जांच पड़ताल के दौरान ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि सत्य क्या है, तत्य क्या है, तत्य की सत्यता क्या है। सर, what will be the process? You know, are you planning being a legal lawyer of Salim to be, you know, you want him to be arrested? See, that is up to the police and that is up to the court. But we have full trust in judiciary and Mumbai police. Okay, the last one, Aryan Khan recently got a bail. You know, what's your reaction on that? What's my reaction? मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बॉलीवुड में ड्रग्स का कल्चर जो है वो खत्म हो जाए और उस कल्चर को बढ़ावा ना मिले. It is not cool to indulge in drugs. It is not cool to encourage the consumption of narcotic substances. देश की युवा पीढ़ी बॉलीवुड को अपना आदर्श मानती है. मैं चाह रही हूँ कि बॉलीवुड इस काबिल बने कि वो आदर्श बन सके. थैंक यू जी. मोनिका तो कर ले, मोनिका.